जय हिंद सभी को, गुड इवनिंग। तो चलिए शुरुआत करेंगे आज की क्लास की। आज जो हम लोग देखो, हम लोग आर्मी अग्निवीर पेपर 2022 बिल्कुल नया पेपर बनाएंगे। और यह जो आपका पेपर है, यह देखो 16 अक्टूबर को आए हुए जीके जीएस के टोटल हम लोग 80 सवाल करेंगे, ठीक है। 85 सवाल आपके होने वाले हैं जो 16 अक्टूबर आर्मी परीक्षा में आपके पूछे गए थे। टोटल हम लोग 85 सवाल बनाएंगे, ठीक है। 85 क्वेश्चन जो आज आपका होने वाला है 16 अक्टूबर का आए हुए जीके जीएस के, 85 सवाल जो हम लोग करेंगे, 85 सवाल बनाएंगे। ध्यान में रखना कि 13 नवंबर को जो है देखो आपका पेपर में जीके जीएस बिल्कुल इसी लेवल का आएगा। तो जो जो जीके जीएस अभी आप लोग देख रहे हैं, जो भी टॉपिक से पूछा गया है, उन सभी टॉपिक को जो है सारे लोग पढ़ के जाएंगे, जिससे जो है आपका जीके जीएस कंप्लीट हो जाए। 13 नवंबर को देखो आपको जीके जीएस में दिक्कत ना आए। तो सभी को सबसे पहले हैप्पी दीपावली इन एडवांस। आज छोटी दिवाली है, सभी को शुभकामनाएं। कल दीपावली आएगी, तो सभी को हैप्पी दीपावली एडवांस में। अब देखो, हमारी क्लास जो है एक दो दिन से सभी क्लासेस नहीं आ पा रही हैं। कारण यही है कि दिवाली होने की वजह से थोड़ा काम ये सब होने के कारण जो अभी क्लास आपका कंटिन्यू नहीं आ रहा है। आज क्लास हुआ है, फिर उसके बाद नेक्स्ट डे दिवाली के बाद जो है हम लोग देखो मतलब कि 25 तारीख से सारा क्लास जो है कंटिन्यू चलेगा, ठीक है। 25 तारीख से जैसे मैं आपका जो सुबह 9 बजे मैथ एंड रीजनिंग का क्लास आता है, 1 बजे जीके जीएस का क्लास आता है, और शाम 7 बजे ओरिजिनल पेपर का क्लास होता है। ये तीनों का तीनों क्लास जो है आपका देखो 25 अक्टूबर से ऑन टाइम हो जाएगा, अपने समय पर आने लगेगा, ठीक है। 13 नवंबर को आने परीक्षा देना है तो 35 प्लस का बिल्कुल सही जवाब बनाना है, और 50 प्लस, ठीक है। 50 प्लस 80 सवाल है तो 50 प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। 50 प्लस का सही जवाब दोगे, देखते हैं कौन कौन 50 प्लस कर पाते हो। तो चलो जल्दी से सबसे पहले शेयर करो अपना हर एक दोस्त तक जो इस क्लास को सबको पहुंचाइए। इसके साथ साथ जिन्होंने भी अभी तक भी क्लास को सेशन को लाइक नहीं किया है, सबको जल्दी से लाइक बटन प्रेस करेंगे, जल्दी से भी लाइक कर लीजिए। और सभी लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर लेंगे। और सभी लोग को ध्यान में रखना है कि अपना जितना भी आर्मी का ग्रुप से जुड़े हुए हो, उन सभी ग्रुप में इस सेशन को शेयर कर दो। जितना भी ग्रुप है उन सभी में इस क्लास को पहुंचाइए, इस सेशन को जो है सबको शेयर कर लेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 से देखो यहाँ पे आपका शुरू हो रहा है, क्या है देखो कि एथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या है, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एथेनॉल, C2H5OH, C2H8। अगला में देखो यहाँ पर आपका C2H6। अगला में देखो आपका CN2। जो एथेनॉल होता है इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, जितना भी सवाल अभी आप देखेंगे ये सारा का सारा सवाल देखो 16 अक्टूबर का आर्मी परीक्षा में पूछा हुआ है, ठीक है। एथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या है, तो एथेनॉल का रासायनिक सूत्र है देखो आपका C2H5OH, ठीक है। ए वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। क्या होता है, C2H5OH होता है। चलो जी अगला सवाल यहाँ पर देखो आपको दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपको क्या मिला है। यहाँ पे सवाल है कि शिशु के विकास में सबसे अधिक आवश्यक होता है, व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ द बेबी, कैल्शियम, दूध, प्रोटीन। ऑप्शन नंबर डी में देखो लिखा हुआ है कार्बोहाइड्रेट। जो शिशु होते हैं, जो बच्चे होते हैं, इनके विकास में जो है देखो किसका होना आवश्यक है, क्या होगा सही जवाब, जल्दी से जो है सब लोग जवाब देना यहाँ पे इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। तो शिशु बच्चों के विकास में जो है देखो आपका दूध का होना बहुत जरूरी है, दूध के कारण जो देखो बच्चे विकास करते हैं। अगर दूध नहीं दिया रहेगा तो फिर सेकंड नंबर में आपका प्रोटीन भी सही होगा, क्योंकि दूध से ही मुख्य रूप से प्रोटीन मिलता है बच्चों को, वो ज्यादा दूध का ही सेवन करते हैं जो बच्चे होते हैं, जो शिशु होते हैं, जो एकदम जो छोटे बच्चे होते हैं, वो प्रोटीन के लिए और कुछ नहीं खाते हैं, वो दूध का ही सेवन करते हैं, ठीक है। तो अगर दूध नहीं देगा तब प्रोटीन कर सकते हैं, ऐसे आपका सही जवाब दूध होगा। चलो जी अगला सवाल यहाँ पर देखो क्या दिया है कि धन कोण का मात्रक क्या है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ धन कोण, ठीक है। मनी एंगल नहीं, धन कोण का बताना है। स्टेरेडियन होता है, केडियम होता है, किलोग्राफ होता है, या फिर केटफोर्ड होता है। धन कोण का मात्रक क्या होता है, जो धन कोण है उसका एसआई मात्रक क्या है, जिसका मात्रक होता है देखो स्टेरेडियन, या देखो स्टेडियन, स्टेरेडियन बोलते हैं, ठीक है, स्टेरेडियन होता है। चलो भाई अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखो क्या दिया है कि सिनेबार किसका अयस्क है, Whose ओर इज सिनेबार, केडियम का, नेपच्यून का, वेनस का, मरकरी का। जो सिनेबार है ये किसका अयस्क है, जो सिनेबार है ये किसका अयस्क होता है, क्या होगा सही जवाब, बिल्कुल सही सब लोग का जवाब आना चाहिए। जो सिनेबार है ये किसका अयस्क है, सिनेबार को किसके अयस्क के रूप में जो है हम लोग जानते हैं, सिनेबार किसका अयस्क होता है, क्या जवाब कर रहे हैं, बिल्कुल सही सब लोग को बताना है। तो सिनेबार जो है यह देखो आपका मरकरी, यह जो है देखो आपका पारा का अयस्क है, ठीक है, सबको ध्यान में रखेंगे, ये आपका पारा का मरकरी का अयस्क होता है। चलो जी अगला सवाल देखेंगे, यह देखो दिया है कि किस किरण की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है, गामा किरण की, अल्फा किरण की, मूनलाइट की। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है देखो आपका यहाँ पर स्पार्क का, क्या होगा सही जवाब,
बिल्कुल सही, सब लोग को करना है। किस किरण की जो भेदन क्षमता है ये सबसे अधिक होती है, तो देखिए 16 अक्टूबर का आप लोग अभी जीके जीएस कर रहे हैं, ठीक है। अब कंप्लीट समझना कि इसी लेवल का जो जीके जीएस है यह देखो आपका 13 नवंबर को और जनवरी का एग्जाम में भी पूछा जाएगा, ठीक है। तो सभी को इसी लेवल का जीके जीएस ध्यान में रखना है, सभी को जो है इसी लेवल का जीके जीएस पढ़ के जाना है। किस किरण की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है, तो यह देखो होती है गामा किरण की, ठीक है। ये वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। किसका होता है, तो गामा किरण का होता है। चलो जी अगला सवाल पे बढ़ेंगे। यह देखो दिया है कि सफेद रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स, संक्रमण से लड़ना, संक्रमण फैलाना, संक्रमण को मारना, या फिर संक्रमण की रक्षा करना। जो सफेद रक्त कणिकाएं हैं, जो सफेद रक्त कोशिकाएं हैं, इनका काम क्या होता है, जल्दी से सबको यहां पर जवाब दोगे और बताओगे किस सवाल का सही जवाब क्या होगा। सफेद रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है, तो जो सफेद रक्त कणिकाएं हैं, जो व्हाइट ब्लड सेल्स है, इनका मुख्य कार्य होता है देखिए किल इन्फेक्शन, संक्रमण को मारना, ठीक है। सी वालों का जवाब यहां पर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। जितना भी लोग ऑप्शन नंबर सी को किए हो बिल्कुल सही बताए हो, बहुत शानदार, बहुत अच्छा। किल करना, संक्रमण को मारना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल आपको देखिए दिया गया है कि तरल से ठोस में बदलना क्या कहलाता है, व्हाट इज द चेंज फ्रॉम सॉलिड लिक्विड टू सॉलिड कॉल्ड, हिमांक, गलनांक, ये फ्रीजिंग लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आपका फ्रीजिंग लिखा हुआ है, ये यहाँ पे फ्रीजिंग लिखा हुआ है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। फ्रीजिंग यहाँ पर हीटर, तरल से ठोस में बदलना क्या कहलाता है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा देखो तरल से ठोस में बदलता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। चलो भाई बिल्कुल सही जो है सब लोग जवाब दोगे और बताओगे, तो तरल से ठोस में बदलना जो है यह देखो फ्रीजिंग कहलाता है, ठीक है। सी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। तरल से ठोस में बदलने की प्रक्रिया को जो है देखो फ्रीजिंग के नाम से जानते हैं। सी वालों का जवाब यहां पर बिल्कुल सही होगा, बहुत अच्छा। चलो अगला सवाल है कि चेचक के कारक का नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ द कॉज ऑफ स्मॉल पॉक्स, अमीबा, वेरियोला वायरस, कोरोना वायरस, डी में है ब्रेन सेल्स। ध्यान में रखेंगे कि जितने भी लोगों का एग्जाम देखो अभी 13 नवंबर को या फिर जनवरी महीने में होने वाला है, सभी लोग को ध्यान में रखना है कि आपका जो पेपर में जीके जीएस है ये इसी लेवल का आएगा, ठीक है। आपका जो पेपर में जीके जीएस है ये सेम इसी लेवल का पूछा जाएगा, तो सभी लोग को जो है इस लेवल का ध्यान में रखना है। चेचक किसके कारण होता है, तो जो चेचक है यह देखो होता है वेरियोला वायरस के कारण, ठीक है। बी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। किसके कारण होता है, तो देखो यह होता है वेरियोला वायरस के कारण, ओके। चलो बढ़ेंगे अगला सवाल पे। अगला सवाल देखो आपको क्या मिला था, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था आपको कि माचिस की तिलियों में कौन सा फॉस्फोरस होता है, हरा फॉस्फोरस होता है, नीला फॉस्फोरस होता है, पीला फॉस्फोरस होता है, या फिर लाल फॉस्फोरस होता है। जो माचिस की तिलियां हैं इनमें कौन सा फॉस्फोरस पाया जाता है, जो माचिस की तिलियां होती हैं इसमें कौन सी फॉस्फोरस होती है, तो माचिस की तिलियां में जो है देखो रेड फॉस्फोरस पाया जाता है, जो माचिस की तिलियां हैं इसमें देखो लाल फॉस्फोरस पाया जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अगला सवाल पे। अगला सवाल देखिए आपको क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आपको मिला हुआ है देखो कि धान का प्रसिद्ध खैरा रोग किसकी कमी से होता है, जिंक क्लोराइड, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रोजन, डी में है जिंक, निम्न में से किसकी कमी हो से जो है देखो यहाँ पर, निम्न में से किसकी कमी से जो है देखो आपका धान का प्रसिद्ध खैरा रोग होता है। मैंने बहुत बार आप लोग को पढ़ाया है, बिल्कुल सही जो है सब लोग को यहाँ पर जवाब देना और बताना है किस सवाल का सही जवाब क्या होगा। चलो भाई जल्दी से सबको ही जवाब देना और बिल्कुल सही यहाँ पर बताना किस सवाल का सही जवाब क्या होगा, क्या आंसर है। धान का प्रसिद्ध खैरा रोग जो है यह किसकी कमी के कारण होता है, तो यह देखो होता है जिंक की कमी के कारण, ठीक है। डी वालों का जवाब सही होगा, डी वालों का आंसर बिल्कुल सही आया है, बहुत अच्छा। चलो अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल देखो आपको क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मिला हुआ है आपको। देखो सवाल आपसे किया गया है कि दिष्ट धारा की आवृत्ति कितनी होती है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ डायरेक्ट करंट, ये यहाँ पे 50 हर्ट्ज लिखा हुआ है, ठीक है। 50 हर्ट्ज है, 1000 हर्ट्ज, 2800 हर्ट्ज, 10000 हर्ट्ज, या फिर 50 हर्ट्ज, क्या होगा सही जवाब। दिष्ट धारा की आवृत्ति कितनी होती है, इस सवाल का सही जवाब क्या है, बिल्कुल सही जो है सब लोग को यहाँ पर जवाब देनी है और बतानी है कि इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। चलो जी बिल्कुल सही सब लोग यहाँ पर जवाब देना और अपना अपना बताना, दिष्ट धारा की आवृत्ति कितनी होती है, क्या होगा सही जवाब। तो दिष्ट धारा की जो आवृत्ति है यह देखो 50 हर्ट्ज होता है, ठीक है। डी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। डी वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे। चलिए बढ़ेंगे अगला सवाल पे। अगला सवाल पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है यहाँ पर कि ग्लास का रासायनिक सूत्र क्या है,
व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लास, SiO2, H2O, Fe, C2H8। चलो भाई बिल्कुल सही सब लोग यहां पर करना और बताना कि सवाल का सही जवाब क्या होगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। बिल्कुल सही जवाब सब लोग को यहां पर अपना अपना जवाब देना है और बताना है कि इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। चलो जी जल्दी से सबको यहां पर जवाब देना, ग्लास का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो ग्लास का जो रासायनिक सूत्र है यह देखो SiO2 होता है, ठीक है, ये वालों का जवाब बिल्कुल सही है। अगर यहां पर जल का पूछेगा तो याद रखिएगा H2O, और यही अगर आपसे यहां पर आयरन का पूछेगा तो याद रखना है Fe, आयरन का मतलब लोहा, ठीक है, और यही अगर यहां पे जल का पूछेगा तो ध्यान में रखिएगा H2O, ठीक है, और यही अगर यहां पे आपसे मानो हैवी वाटर जिसको भारी जल बोलते हैं अगर ये पूछ दिया गया तो ये याद रखना है, यह देखो होता है D2O, ठीक है, सबको ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला सवाल पे बढ़ते हैं, अगला सवाल यहां पर क्या दिया है देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो आपको मिला हुआ है यहाँ पे कि आईने अकबरी के लेखक कौन है, क्या होगा सही जवाब, जल्दी से सब लोग को यहां पर जवाब देनी है। Who is the author of आईने अकबरी, अकबर, पैकर, जलालुद्दीन, अब्दुल अकलम, अब्दुल कलाम, अगला है देखो बीरबल, अगला है देखो आपकी कादुर इब्राहिम, अगला जो ऑप्शन है यह देखो आपको दिया गया है अबुल फजल। मैंने पढ़ाया हुआ है जीके जीएस में, ये सवाल मैंने सबको कराया है। चलो भाई क्या होगा सही जवाब, बिल्कुल सही सब लोग करने की कोशिश करना और बताना यहाँ पर इसका सही जवाब क्या है, बिल्कुल सही यहाँ पर सब लोग को करना है अपना अपना। तो आईने अकबरी के जो लेखक हैं ये है देखो अबुल फजल, ठीक है, डी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, अबुल फजल करने वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। चलो अगला सवाल है देखो कि टीवी के रिमोट में कौन सी तरंगे होती हैं, व्हाट आर द वेव्स इन द टीवी रिमोट, आधुनिक तरंगे, लाल तरंगे, औरक तरंगे, डी में है पीली तरंगे। जो टीवी की रिमोट होती है इसमें किस प्रकार की तरंग पाई जाती है, जो टीवी का रिमोट होता है इसमें कौन सा तरंग पाया जाता है, इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, बिल्कुल सही सब लोग यहाँ पे करना और बताना क्या है सही आंसर। ये सवाल देखो आपके लिए आज का होमवर्क रहेगा, मैंने पहले सबको पढ़ाया है, इसका जो जवाब है सभी लोग देंगे कमेंट बॉक्स में और बताएंगे कि इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ठीक है। चलो चलते हैं अगला सवाल पे, अगला सवाल देखो क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मिला है आपको कि 1920 में खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया, हु स्टार्टेड द खिलाफत मूवमेंट इन 1920, जवाहरलाल नेहरू, अलाउद्दीन खिलजी, शौकत अली और मोहम्मद अली, क्या होगा सही जवाब। चलो जी बिल्कुल सही यहाँ पर जवाब आना चाहिए, इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। चलो बिल्कुल सही यहाँ पर सब लोग अपना अपना जवाब देंगे और बताएंगे किस सवाल का सही जवाब क्या है, 1920 में जो खिलाफत आंदोलन है इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई, 1920 में जो खिलाफत आंदोलन है इसका शुरुआत किसने किया है, तो 1920 में जो खिलाफत आंदोलन है इसका शुरुआत देखिए किया था शौकत अली और मोहम्मद अली ने, बहुत अच्छा, सी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, सी किए हैं सबको, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है, बहुत अच्छे। चलो जी अगला सवाल देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या मिला है यहाँ पे, अगला सवाल देखो आपको दिया गया है कि ममता बनर्जी का संबंध किस राजनीति पार्टी से है, भारतीय जनता पार्टी, आप पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, या फिर नेक्स्ट में देखो भारतीय कांग्रेस पार्टी, क्या होगा सही जवाब, बिल्कुल सही जो है सब लोग को जवाब देना और बताना है किस सवाल का सही जवाब क्या है, ममता बनर्जी का संबंध जो है किस राजनीति पार्टी से है, तो यह देखो संबंधित है तृणमूल कांग्रेस से, ठीक है, सी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, ये तृणमूल कांग्रेस से संबंध रखती है। चलो जी अगला सवाल यहाँ पे देखो आपको क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन मिला है आपको, देखो सवाल जो है आपसे किया गया है कि निम्न में से कौन अशोक से संबंधित नहीं है, उज्जैन, पाटलिपुत्र, तक्षशिला या फिर नालंदा, क्या होगा सही जवाब, निम्न में से वह कौन सा शहर है जो कि देखो आपका अशोक से संबंध नहीं रखता है, तो वो शहर है देखो आपका नालंदा, जो नालंदा शहर है इसका संबंध देखो अशोक के साथ नहीं है, ठीक है। चलिए चलेंगे अगला सवाल पे, अगला सवाल मिला है आपको कि भारत में पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था, क्या होगा सही जवाब, भारत में पहला परमाणु परीक्षण कहाँ पर किया गया, इस सवाल का सही जवाब क्या है, वेयर डिड द फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट टेक प्लेस इन इंडिया, भारत में पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ, तो यह देखो हुआ है पोखरण में, ठीक है, बी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, भारत में जो पहला परमाणु परीक्षण है यह देखो पोखरण में किया गया। अगला सवाल मिला है कि जेब्रा लाइन का संबंध किससे है, व्हाट इज द जेब्रा लाइन रिलेटेड टू, पैदल यात्रियों के लिए, वाहनों के लिए, पशुओं के लिए, वायुयान के लिए, जेब्रा लाइन का संबंध किससे है, जो जेब्रा लाइन है ये किससे संबंधित है,
तो जो जिब्रा लाइन है यह देखो संबंधित है पैदल यात्रियों के लिए, बहुत बढ़िया। ए वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। जो जिब्रा लाइन है यह देखो पैदल यात्रियों के लिए संबंधित है, बहुत शानदार, बिल्कुल सही सबका जवाब आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलो अगला सवाल देखो मिला है कि विश्वनाथ आनंद का संबंध किस खेल से है। विश्वनाथ आनंद इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, क्रिकेट, शतरंज, खो खो, कबड्डी। क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल सही सब लोग को जवाब देना है। जो विश्वनाथ आनंद है इनका संबंध किस खेल के साथ है, याद रखिएगा खेलों से संबंधित खिलाड़ी, इससे सवाल पूछा गया इस टॉपिक से, ठीक है। ये टॉपिक आपको बहुत जल्द जो है पढ़ा दिया जाएगा, खेलों से संबंधित खिलाड़ी वाला टॉपिक सब लोग को पढ़ लेना है बहुत जल्द जो है। देखो आपका 1 बजे क्लास आएगा दोपहर में, जिस टाइम हम लोग ये वाला कर लेंगे, ठीक है। ये पूछा गया है सवाल, हर एक एआरओ में अभी 16 अक्टूबर को सवाल आया है, विश्वनाथ आनंद का संबंध किससे है, तो या देखो चेस से या देखो शतरंज के साथ संबंध रखता है, ठीक है। बहुत बढ़िया, बी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। चलो अगला सवाल है कि मैराडोना किस खेल से संबंधित खिलाड़ी है। मैराडोना इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट, क्रिकेट, फुटबॉल, पोलो, कबड्डी। मैंने सबको पढ़ाया है पहले भी, देखो फिर से पूछा मैंने, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि खेलों से संबंधित खिलाड़ी, ठीक है, प्लेयर्स रिलेटेड विथ स्पोर्ट्स, खेलों से संबंधित खिलाड़ी। ये जो टॉपिक है ना, ये वाला टॉपिक सब लोग को पढ़ के जाना है, क्योंकि इससे सवाल इंडियन में पूछ गया इस बार, और उम्मीद है कि आपका नवंबर महीने में भी पूछा जाएगा, जनवरी महीने में भी। मैराडोना किस खेल से संबंधित खिलाड़ी है, तो यह देखो आपका संबंधित है फुटबॉल से, ठीक है, फुटबॉल से संबंधित है, और किस देश से, तो अर्जेंटीना से, सबको ध्यान में रखेंगे। चलिए भाई अगला सवाल आपको देखिए दिया गया है, यह क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, बाय व्हाट नेम इज माउंट एवरेस्ट नोन इन नेपाल, आल्पस, K2, सागरमाथा। ऑप्शन नंबर डी में देखो लिखा हुआ है माउंट K2। मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया, मैंने जब भी पढ़ाया पहले वाला क्लास उठा के देखना, मैंने हमेशा बोला कि ये वाला सवाल पूछा जाता है, आपसे पूछा जा सकता है, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या बोलते हैं। तो माउंट एवरेस्ट को जो है देखो नेपाल में सागर माथा के नाम से जानते हैं, बहुत बढ़िया। सी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। चलो अगला सवाल देखो मिला है यहां पर, यह क्वेश्चन दिया गया है कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया, हु डिमोलिस्ट नालंदा यूनिवर्सिटी, अलाउद्दीन खिलजी, बाबर, बख्तियार खिलजी, डी में देखो शेरशाह सूरी। जो नालंदा विश्वविद्यालय है इसको किसके द्वारा ध्वस्त किया गया, जो नालंदा विश्वविद्यालय है इसको किसने गिराया है, इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। चलो भाई बिल्कुल सही जवाब सब लोग का आना चाहिए। तो नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया है, तो यह देखो ध्वस्त किया है बख्तियार खिलजी ने, ठीक है। सी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। नालंदा विश्वविद्यालय को जो है देखो ध्वस्त किया गया है बख्तियार खिलजी के द्वारा। चलो अगला सवाल भी बढ़ेंगे, यह देखो दिया है आपको कि ट्यूबलाइट में किस गैस का प्रयोग होता है, विच गैस इज यूज इन ट्यूबलाइट, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, नियोन। बहुत बार मैंने आपको पढ़ाया ये वाला सवाल, क्या होगा सही जवाब। ट्यूबलाइट में किस गैस का प्रयोग करते हैं, जो ट्यूबलाइट है इसमें देखो किस गैस का यूज होता है, तो जो ट्यूबलाइट है इसमें देखिए आपका नियोन गैस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। डी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। और ट्यूबलाइट के अलावे ध्यान में रखेंगे, यही अगर यहाँ पे देखो मानो आपसे ट्यूबलाइट के अलावे अगर बल्ब पूछ दिया जाए कि विद्युत बल्ब में किसका प्रयोग करते हैं, तो याद रखिएगा नाइट्रोजन गैस का, ठीक है। नाइट्रोजन के साथ साथ याद रखना है सबको अक्रिय गैस का भी जो है देखो प्रयोग किया जाता है, ठीक है, सब लोग ध्यान में रखेंगे। चिप्स का पैकेट में भी नाइट्रोजन गैस होता है, क्लियर रखना है सबको। अगला सवाल है देखो कि घेंघा रोग किसकी कमी से होता है, व्हाट डिफिशियंसी कॉजेज स्नेल डिजीज, आयोडीन, इंसुलिन, लोहा, डी में है इनमें से कोई नहीं। 25 नंबर सवाल है आपका, मैंने आपको कितना बार पढ़ाया ये वाला सवाल, मैंने हमेशा बोला कि ये पूछा जाएगा, ये पूछा जा सकता है, और देखो पेपर में उठा के पूछ भी दिया गया। और सबको ध्यान में रखिएगा, सबको जीके जीएस के लिए चिंतित है कि सर जीके जीएस कैसा आएगा। जितने भी लोग अभी एग्जाम देखो देने वाले हो 13 नवंबर को या फिर 15 जनवरी को, सब समझना कि इसी लेवल का जीके जीएस आने वाला है, कुछ भी अलग नहीं आएगा। और हर एक जीके जीएस आप लोग खुद से ही देख रहे हैं, मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ है, ठीक है। चलो भाई क्या होगा सही जवाब, घेंघा रोग किसकी कमी से होता है, तो यह देखो होता है आयोडीन की कमी से, ठीक है। इंसुलिन का कमी से क्या होता है, तो इंसुलिन का कमी से याद रखना है देखो डायबिटीज होता है, जिसको कि मधुमेह बोलते हैं। लोहा का कमी से क्या होता है, तो लोहा का कमी से सब लोग याद रखेंगे यह देखिए एनीमिया होता है, ठीक है, सब लोग को ध्यान में रखना है। चलो अगला सवाल पे चलते हैं, अगला सवाल देखो क्या दिया है कि मायोपिया में प्रयुक्त होता है, यूज्ड इन मायोपिया, मायोपिया में किसका प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस का, अवतल लेंस का, बेलनाकार लेंस का, डी में है इनमें से कोई नहीं। मायोपिया में किसका प्रयोग किया जाता है, जब मायोपिया होता है तो उसमें किसका प्रयोग करते हैं, इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। तो जब मायोपिया होता है देखिए, तो मायोपिया के इलाज में जो है अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। बी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया।
और यही अगर आपसे यहां पर बोल दे कि दूरदृष्टि दोष में किसका प्रयोग करते हैं, तो दूरदृष्टि दोष में जो है देखो आपका उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल मिला है कि सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी क्या कहलाती है, वॉट इज द लिंक बिटवीन एनिमेट एंड इनएनिमेट। अमीबा कहते हैं, वायरस कहते हैं, बैक्टीरिया कहते हैं, डीम है, इनमें से कोई नहीं। सजीव और निर्जीव के बीच जो कड़ी होती है उसको क्या बोला जाता है, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी को क्या बोलते हैं, सजीव और निर्जीव कैसे एक दूसरे से जुड़ते हैं। तो जो सजीव और निर्जीव है यह देखिए जुड़ते हैं आपके वायरस के द्वारा। क्यों? क्योंकि वायरस जो है यह देखो आपका एक निर्जीव अवस्था में होता है, जब यह शरीर के संपर्क में आता है, सजीव के संपर्क में जब यह आता है तभी जाकर वायरस जो आपका एक्टिव होता है, तब जाके सजीव बन जाता है। तो बी वालों का जवाब सही होगा, वायरस से जो है ये संपर्क में आते हैं। अगला सवाल है देखिए आपका यहाँ पे कि किसी व्यक्ति के संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होती है, एक ऊंचाई के बराबर, एक व्यक्ति की ऊंचाई का आधा, डी में है एक व्यक्ति की ऊंचाई का दोगुना। चलो भाई यही ऑप्शन है, इनमें से बताना, तीन ऑप्शन है आपके, बिल्कुल सही जो है सब लोग का जवाब आना चाहिए। जल्दी सबको अपना अपना जवाब देना और बताना। तो किसी व्यक्ति के संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए जो है देखो समतल दर्पण की जो न्यूनतम ऊंचाई है ये एक व्यक्ति की ऊंचाई का आधा होना चाहिए, ठीक है। बी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, यह जो है एक व्यक्ति की ऊंचाई का आधा होना चाहिए। अगला सवाल मिला है कि विद्युत घंटी किसके सिद्धांत पर कार्य करती है, ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज एन इलेक्ट्रिक बल्ब बेल वर्क, धारा के चुंबकीय प्रभाव पे, धारा के रासायनिक प्रभाव पे, धारा के तापीय प्रभाव पे, ऑप्शन नंबर डी में सभी पे। जो विद्युत घंटी है ये किस सिद्धांत पर कार्य करती है, जो विद्युत घंटी है ये किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, क्या होगा सही जवाब, विद्युत घंटी जो है यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जो विद्युत घंटी है यह देखो आपका कार्य करता है धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, ठीक है। ए वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, यह जो है देखो कार्य करती है धारा के चुंबकीय प्रभाव पर। चलो अगला सवाल देखो दिया हुआ है कि वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है, ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज द जेनेटिक मशीन, वॉशिंग लिखा हुआ, ठीक है, यहां पे याद रखिएगा वॉशिंग लिखा हुआ है, वॉशिंग मशीन, ये यहां पर वॉशिंग मशीन लिखा हुआ है, ठीक है। चलो जी क्या होगा सही जवाब, अपकेंद्रण पे, अपोहन पे, विसरण पे, डी में है, इनमें से कोई नहीं। 30 नंबर सवाल है, 30 नंबर क्वेश्चन है आपका, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो जो वॉशिंग मशीन है यह देखिए आपका कार्य करती है अपकेंद्रण पे, यह देखिए आपका कार्य होता है अपकेंद्रण वाले प्रोसेस पे, ठीक है, बहुत बढ़िया। ए वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे। अगला सवाल देखो मिला है कि चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या है, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ लाइम स्टोन, CaO, CaOH2, CaCO3, डी में है नन। चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, चूना पत्थर का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। आप में से जितने भी लोगों ने अभी तक भी क्लास को शेयर नहीं किया है बताइए, इतना बेहतरीन क्लास हो रहा है, जल्दी सभी शेयर करेंगे। जितने भी आर्मी के ग्रुप से आप जुड़े हुए हैं उन सभी ग्रुप में इस क्लास को पहुंचाइए, टेलीग्राम पे शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए, इंस्टाग्राम पे शेयर कीजिए, हर तरफ फैला दीजिए। जल्दी से सभी लोग को लाइक बटन प्रेस कर लेना है, जिन्होंने अभी तक भी लाइक नहीं किया है बताओ, इतना बेहतरीन क्लास चल रहा है, जल्दी सभी लोग लाइक कर लेंगे, जल्दी सभी लाइक वाले बटन को ठोको, और सभी लोग जो है देखो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर लेना, जिन्होंने भी अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र होता है देखो CaCO3, ठीक है, जो CaO है ये याद रखिएगा ये बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है, ठीक है, ये जो है देखो आपका बिना बुझा हुआ चूना, मतलब कि अनस्वीटेड लाइम बोलते हैं, ठीक है, ये जो है देखो आपका अनस्वीटेड लाइम बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र है। और जो CaOH2 है ये याद रखिएगा यह देखिए आपका बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है, जिसको कि स्वीटेड लाइम के नाम से जानते हैं, ठीक है, ये स्वीटेड लाइम हो गया। चलिए अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए आपको मिला है यहाँ पे कि सबसे हल्की धातु कौन सी है, विच इज द लाइटेस्ट मेटल, हाइड्रोजन, लिथियम, एल्युमिनियम, हीरा। कितना बार मैंने आपको ये वाला सवाल पढ़ाया और मैंने हमेशा बोला कि देखो ये वाला पूछा जाएगा, ये पूछा जा सकता है, और देखो पूछ भी दिया गया। सबसे हल्का धातु, सबसे लाइटेस्ट मेटल कौन सा है, तो सबसे हल्का धातु देखो लिथियम होता है, और यही अगर यहाँ पे आपसे सबसे हल्का गैस बोले तो सबसे हल्का गैस याद रखना है हाइड्रोजन होता है, ठीक है। अब उसके साथ साथ याद रखिएगा सबसे चमकदार और सबसे मजबूत अधातु बोले, ठीक है, वह क्या है, तो वह देखो हीरा है। और एल्युमिनियम क्या है, तो एल्युमिनियम में याद रखिएगा चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होने वाला, ठीक है, ध्यान में रखना है सबको, चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होने वाला धातु है, ठीक है, इसके द्वारा पृथ्वी पर सबसे अधिक पाए जाने वाला धातु है, ठीक है, पृथ्वी पर सबसे अधिक आपका एल्युमिनियम ही पाया जाता है,
इसका अयस्क क्या है, तो इसका अयस्क याद रखिएगा, यह देखिए बॉक्साइट होता है, ठीक है, सब लोग को ध्यान में रखना है। चलो भाई अगला सवाल देखो, दिया गया है कि निम्न में से फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन फोटोग्राफी, सिल्वर ब्रोमाइड, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। निम्न में से जो है देखो फोटोग्राफी में किसका प्रयोग करते हैं, जो फोटोग्राफी किया जाता है इसमें निम्न में से किसका यूज होता है, तो फोटोग्राफी में जो है देखो आपका सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग करते हैं, ठीक है, ए वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, फोटोग्राफी में जो है देखो आपका सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल देखो मिला है कि सीसा का संकेत क्या है, व्हाट इज द इंडिकेशन ऑफ लेड, ए जी, ए यू, पी बी, एफ ई, सीसा का संकेत क्या होता है, सीसा का सूत्र क्या होता है, इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। चलो भाई बिल्कुल सही सब लोग करोगे और बताओगे यहाँ पे किस सवाल का सही जवाब क्या है, सीसा का संकेत क्या होता है, सीसा का सूत्र क्या है, बिल्कुल सही सब लोग का जवाब आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। चलो जल्दी सबको जवाब देना है यहाँ पे किस सवाल का सही जवाब क्या होगा, तो सीसा का जो सूत्र है यह देखो पीबी होता है, ठीक है, जिसको लेड बोलते हैं पीबी हो गया। एजी किसका सूत्र है, तो एजी याद रखिएगा, ये पूछा हुआ सवाल है पहले, चांदी का सूत्र है। एयू किसका सूत्र है, तो एयू याद रखिएगा, ये आपका सोना का सूत्र है। और एफी किसका सूत्र है, तो यह देखो लोहा का, यह आपका आयन का सूत्र है, ठीक है, सब लोग को ध्यान में रखना है। अगर आपसे पारा का पूछा जाएगा तो पारा में याद रखिएगा, यह देखिए एच जी होता है मरकरी का, ठीक है, सबको इसको ध्यान में रखना है। चलो भाई अगला सवाल पे चलते हैं, अगला सवाल देखो आपको क्या दिया है यहाँ पे कि मधुमक्खियों को पाला जाता है, बीज आर किप्ट, मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है, इसको ऐसे भी बोल सकता है एपी कल्चर और मधुमक्खी शिला, सेरिकल्चर, बैरोमीटर, रजत कृषि, क्या होगा सही जवाब, मधुमक्खियों को पालना क्या कहलाता है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मधुमक्खियों को पाला जाता है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो वह प्रक्रिया देखिए आपका एपी कल्चर, मधुमक्खी शिला के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ध्यान रखना है सबको। चलो अगला सवाल पे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखो दिया है कि वायुसेना का प्रमुख कौन होता है, हु इज द हेड ऑफ एयरफोर्स, चलिए भाई क्या होगा सही जवाब, वायुसेना के प्रमुख कौन होते हैं, हु इज द हेड ऑफ एयरफोर्स, एयर मार्शल, जनरल, ए और बी, दोनों डी में है, इनमें से कोई नहीं, वायुसेना के प्रमुख कौन होते हैं, वायुसेना के चीफ कौन होते हैं, तो वायुसेना के जो प्रमुख हैं यह देखो एयर मार्शल के रूप में जाने जाते हैं। ए वालों का जवाब यहां पर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, ए वालों का आंसर सही है, बहुत अच्छा। चलो अगला सवाल देखो दिया हुआ है कि विश्व में सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, विच इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल इन द वर्ल्ड, चीन, अमेरिका, भारत, रूस, विश्व में सबसे ज्यादा कोयला का उत्पादन किस देश के द्वारा किया जाता है, विश्व में जो है देखो सबसे अधिक कोयला कौन सा देश उत्पादित करता है, तो सबसे अधिक कोयला जो है यह देखिए चीन के द्वारा उत्पादित होता है, ए वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, सबसे अधिक कोयला का उत्पादन चीन करता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला सवाल यहाँ पे आपको देखिए दिया गया है कि भारत का प्रथम माइक्रो जंगल किस राज्य में है, विच स्टेट हैज द फर्स्ट माइक्रो फॉरेस्ट इन इंडिया, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा या फिर पंजाब, भारत का प्रथम माइक्रो जंगल किस राज्य में है, भारत का जो प्रथम माइक्रो जंगल है ये कहां पर स्थापित किया गया, इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, बिल्कुल सही सब लोग करना और बताना यहां पर, भारत का प्रथम माइक्रो जंगल किस राज्य में स्थापित हुआ है, तो यह देखो हुआ है आपका छत्तीसगढ़ राज्य में, ठीक है, ए वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा, ए वालों का आंसर बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखो मिला है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, गंगा, नील, अमेजन, ब्रह्मपुत्र, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी होती है, बहुत बार मैंने आपको पढ़ाया, बहुत बार मैंने बोला भी, आप सब भी बोलते हैं कि सर इतना इजी पूछेगा क्या, देख लो जिक के जीएस एकदम नॉर्मल नॉर्मल आया है, कुछ कुछ सवाल देखो टफ है, तो वो कोई बड़ा बात नहीं है, देखिए अब मानो 30 सवाल है, 30 में से अगर आपको 24 प्लस बनाने वाला मिल गया तो क्या दिक्कत है, अब 30 में से मानो वो 6 सवाल तो टफ दे ही सकते हैं ना, उनका भी हक है मानो इतना टफ देने का। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो यह देखो नील नदी है, ठीक है, सबसे चौड़ी बोलेगा तो कौन सा है, अगर बोलेगा विश्व का सबसे चौड़ा, तो विश्व का सबसे चौड़ा अमेजन है, अगर बोलेगा भारत का सबसे लंबा, कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो भारत की सबसे लंबी नदी देखो गंगा है, और ब्रह्मपुत्रा में याद रखिएगा यह देखिए भारत की सबसे चौड़ी नदी है, ठीक है, अगर बोला जाएगा कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो यह देखो ब्रह्मपुत्रा है। चलिए 41 नंबर सवाल पे चलेंगे, 41 नंबर सवाल देखिए आपको दिया गया है कि हल्दी घाटी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, हु फाउट द बैटल ऑफ हल्दी घाटी,
अकबर और महाराणा प्रताप, बाबर और इब्राहिम लोधी, बाबर और राणा सांगा, अकबर और हेमू, क्या होगा सही जवाब? चलो भाई बिल्कुल सही करना सबकी ओर बताना, 40 नंबर सवाल है आपका, क्या होगा सही जवाब? तो देखिए हमारी बिल्कुल नई ईबुक लॉन्च हो चुकी है अग्निवीर आर्मी परीक्षा की, यह जो है देखो अग्निवीर के बिल्कुल नए पैटर्न पर आधारित है। यह ईबुक देखो आपका जीडी, वुमेन मिलिट्री पुलिस, गर्ल्स जीडी, ट्रेडमैन, क्लर्क, ये सभी के लिए है। इसमें आपका देखिए 10 मॉडल पेपर दिया हुआ है इजी लेवल का, 10 मॉडल पेपर है टफ लेवल का, और 5 अग्निवीर का ओरिजिनल पेपर है जो कि आपका ओरिजिनल पेपर है 16 अक्टूबर का, ठीक है। तो सभी लोग इस ईबुक को जरूर खरीद लेंगे, ये आपका बिल्कुल नया पैटर्न पर है, जो भी 16 अक्टूबर एग्जाम हुआ है अग्निवीर के नए पैटर्न पर आधारित है, सभी को इसमें सवाल देखने को जरूर मिलेगा। और खास करके वो बच्चे जिनका मैथ एंड रीजनिंग कमजोर है वो तो इस किताब को लेंगे ही लेंगे, इस किताब को ले लो, पूरा मैथ रीजनिंग सॉल्वड है, 20 में से 20 लेके आओगे मैथ और रीजनिंग में, ठीक है। तो खरीदने के लिए क्या करना है देखिए आपको, ये ईबुक देखो अभी आपको स्पेशल ऑफर के अनुसार 199 नहीं केवल 85 रुपए में मिल रहा है, 85 रुपीज में। और जो ईबुक है ये देखो हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है, फुल सॉल्यूशन हिंदी इंग्लिश सभी में है, ठीक है। खरीदने के लिए क्या करना है, तो यह जो नंबर दिख रहा है आपको देखिए इसी नंबर पर आपको पेमेंट कर लेना है, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे से किसी भी चीज से पेमेंट कर लीजिएगा। और फिर पेमेंट करने के बाद जो है देखो इसी व्हाट्सएप नंबर पर आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना है, उसके बाद जो ये ईबुक है यह देखो आपको आपके व्हाट्सएप पर सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो देखो हमारी टोटल 2 ईबुक है, एक ईबुक हो गया जो कि जस्ट लॉन्च हुआ है आपका आर्मी जीडी, वुमेन मिलिट्री पुलिस, ट्रेड्समैन और क्लर्क का, इसमें 10 मॉडल पेपर इजी दिया हुआ है, 10 मॉडल पेपर टफ है, 5 अग्निवीर का ओरिजिनल पेपर है, और यह है मात्र 85 रुपए का। एक और ईबुक है जो कि देखो आपका जीडी, वुमेन मिलिट्री पुलिस, ट्रेड्समैन, टेक्निकल, नर्सिंग असिस्टेंट, क्लर्क, ये सभी के लिए है। इसमें आपका 3200 प्लस देखो जीके जीएस क्वेश्चन है, ठीक है, टॉपिक वाइज जीके जीएस है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, और जितना भी जीके जीएस अभी आप लोग देख रहे हैं वो सारा का सारा जीके जीएस देखो इसी किताब में से पूछा गया है, ठीक है। ये आपको 199 नहीं केवल 90 रुपए में मिल रहा है स्पेशल ऑफर के अनुसार, ये भी तो देखो ये है 90 रुपए का, यह 85 रुपए का, अलग अलग लोगे तो होता है 90 और 85 175, पर अगर साथ में लेते हो तो आपको देना है केवल 155 रुपए, और 155 में आप इन दोनों बेहतरीन किताब को खरीद सकते हैं। एक किताब में सेट लगाइए, प्रीवियस ईयर बनाइए, मैथ रीजनिंग जीके जीएस सारा चीज है एक किताब में जो कि 85 रुपए का है, और एक किताब में से जीके जीएस पढ़ लीजिए, सारा जीके जीएस इसी का है। खरीदने के लिए क्या करना है देखो, तो ये जो नंबर दिख रहा है आपको इसी नंबर पे आपको पेमेंट कर देना है, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे से। पेमेंट करने के बाद जो है पेमेंट का स्क्रीनशॉट आप सब इसी नंबर पे सेंड कर दीजिएगा, फिर जो ये ईबुक है ये आपके व्हाट्सएप पर ही 2 मिनट के अंदर सेंड कर दिया जाएगा आपको, ठीक है। चलो भाई हल्दी घाटी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, तो यह देखो हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में, ठीक है। कब हुआ था, 1576 में हुआ था, सबको इसको ध्यान में रखना है। चलो चलते हैं अगला सवाल पे, विजय अकबर की सेना हुई थी याद रखिएगा, महाराणा प्रताप जी को छल से मार दिया गया था, वो घायल हो गए थे। अगला सवाल है देखो कि बाल दिवस कब मनाया जाता है, When is Children Day celebrated? 2 अक्टूबर, 17 जून, 14 नवंबर, 15 अगस्त। मुझे तो नहीं लगता है कि इसमें किसी को दिक्कत होगा, क्या होगा सही जवाब? बाल दिवस कब मनाया जाता है, देखो इतना इजी इजी सवाल आया है, बाल दिवस जो है कब मनाते हैं, इस सवाल का सही जवाब क्या है? तो जो बाल दिवस है यह देखो मनाया जाता है 14 नवंबर के दिन, ठीक है। 14 नवंबर को किस कारण मनाते हैं, तो चाचा नेहरू जी के, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जन्म दिवस के दिन, ठीक है। 2 अक्टूबर को क्या होता है, तो 2 अक्टूबर को याद रखिएगा विश्व अहिंसा दिवस, ठीक है, वर्ल्ड नॉन वायलेंस डे है। किसका जन्म दिवस के कारण, तो महात्मा गांधी जी के बर्थडे के कारण, ठीक है, महात्मा गांधी जी और इसके साथ साथ लाल बहादुर शास्त्री जी, ठीक है, इन दोनों का जन्म दिवस जो है इसी दिन आता है, ध्यान में रखना है। 15 अगस्त को क्या हुआ है, तो 15 अगस्त को देखो हमारा जो भारत देश है ये आजाद हुआ है, ठीक है। गणतंत्र कब बना, तो गणतंत्र देखो बना 1950 में, सबको याद रखिएगा इस टाइम भारत हमारा गणतंत्र बना। इसके साथ साथ याद रखना है कि 5 सितंबर को जो है देखो आपका शिक्षक दिवस मनाते हैं, ठीक है, 5 सितंबर को जो है शिक्षक दिवस मनाते हैं, ये किसके उपलक्ष्य में, तो डॉक्टर राधा कृष्णन, सर्वपल्ली राधा कृष्णन जी के जन्म दिवस के दिन के कारण, ठीक है। चलो चलते हैं अगला सवाल पे, अगला सवाल देखो आपको क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन मिला है यहाँ पे। सवाल है देखो आपका कि मशरूम निम्न में से क्या है, मशरूम इज विच ऑफ द फॉलोइंग, कवक, जंतु, पादप, डीम है, इनमें से कोई नहीं। कितना बार मैंने आपको ये वाला सवाल बनवाया है, आप लोग चाहें तो पीछे वाला क्लास में जाके देख सकते हैं। मशरूम निम्न में से क्या है, मशरूम क्या होता है, बिल्कुल सही जवाब, सब लोग को जवाब देना और बताना है, मशरूम क्या है? तो जो मशरूम है यह देखो एक प्रकार का मोल्ड है, एक प्रकार का फंगी है, एक प्रकार का कवक है, ठीक है। ये वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। अगला सवाल देखो मिला हुआ है यहाँ पे आपको, क्या सवाल है कि फ्लाइट शटल किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, व्हाट डू यू यूज फ्लाई शटल फॉर, बुनने के लिए, साफ करने के लिए, सुखाने के लिए, डीम है, बुझाने के लिए। जो फ्लाई शटल है इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, जो फ्लाई शटल है इसका इस्तेमाल किस लिए करते हैं,
इसका इस्तेमाल देखिए करते हैं बुनने के लिए, ठीक है। ए वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। इसका इस्तेमाल देखो करते हैं बुनने के लिए, कपड़े बुनने के लिए, कपड़े बनाने के लिए, ठीक है। अगला सवाल देखो मिला है कि ज्वालामुखी में कौन सी गैस सबसे अधिक निकलती है, विच गैस इज मोस्ट इमिटेड फ्रॉम अ वोल्केनो, जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। ज्वालामुखी में से कौन सी गैस निकलती है, ये सवाल मैंने आपको पढ़ाया है। जितना भी जीके जीएस आप लोग देख रहे हैं इसमें से ज्यादातर जीके जीएस देखो ये वाला आपका 90 रुपए वाला किताब में से पूछा गया है, जिसमें आपका 3200 प्लस जीके जीएस का क्वेश्चन है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। ये स्पेशल ऑफर में मिल रहा है आपको 90 रुपए में। ये आपका टॉपिक वाइज है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर, स्टैटिक, जीके, हर एक चीज इसमें दिया हुआ है। तो सभी लोग इस ई बुक को जरूर खरीद लेंगे, ठीक है। तो ज्वालामुखी में से कौन सा गैस निकलता है, तो ये देखो जल वाष्प निकलता है, ठीक है। ए वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल पे चलेंगे, यह देखिए दिया हुआ है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है, वेयर इज मीनाक्षी टेम्पल सिचुएटेड, तमिलनाडु, उड़ीसा, उत्तराखंड, राजस्थान। जो मीनाक्षी मंदिर है यह कहाँ पे स्थित है, जो मीनाक्षी मंदिर है यह कहाँ पे है, इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। चलो भाई जल्दी से सबको करना और बताना, सबको मैंने बहुत बार पढ़ाया है, क्या होगा सही जवाब, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है। मैंने आपको कुछ दिन पहले ही मंदिर वाला टॉपिक करवाया था, उसे मैंने सबको पढ़ाया था। इसके साथ साथ जो हमारा 90 रुपया वाला ई बुक है जीके जीएस का, उसमें भी ये चीज मैंने आप सबको पढ़ाया। चलो जी उसमें दिया हुआ है, क्या होगा सही जवाब, तो मीनाक्षी मंदिर जो है यह देखो आपका तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है, तो यह आपकी तमिलनाडु में है। अगला सवाल देखिए दिया हुआ है कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है, इज द रिफ्लेक्शन फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर, उल्टा, असली, तिरछा, डिम है, इनमें से कोई नहीं, क्या होगा सही जवाब। समतल दर्पण में जो बना प्रतिबिंब होता है ये कैसा होता है, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है ये किस प्रकार का होता है, इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, बिल्कुल सही सब लोग को जवाब देना है। तो समतल दर्पण में बना जो प्रतिबिंब है यह देखो असली होता है, ठीक है, यह आपका असली दिखता है, और अवतल दर्पण में याद रखिएगा उल्टा बनता है, ठीक है, अवतल दर्पण में उल्टा बनता है, सब लोग को ध्यान में रखना है। चलो जी अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल आपको देखिए क्या दिया है, यह सवाल यहाँ पे मिला हुआ है आपको, सवाल देखो आपसे यहाँ पे किया गया है कि गवर्नर बनने के लिए न्यूनतम आयु होती है, इज देयर अ मिनिमम एज टू बिकम अ गवर्नर, 25 वर्ष, 38 वर्ष, 35 वर्ष, 30 वर्ष। गवर्नर बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होता है, मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया ये वाला चीज, आप सब भी बहुत बार पढ़े। चलो भाई क्या होगा सही जवाब, गवर्नर बनने के लिए जो है देखो आपकी न्यूनतम आयु कितनी होती है, इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, बिल्कुल सही जो है सब लोग को यहां पर करना है और बताना है। गवर्नर बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है, तो गवर्नर बनने की जो न्यूनतम आयु है यह देखो 35 वर्ष होती है, ठीक है। इसके साथ साथ ये और भी लोगों का है, राष्ट्रपति बनने का भी न्यूनतम आयु 35 वर्ष है, प्रेसिडेंट बनने का, उपराष्ट्रपति बनने का भी न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। इसके साथ साथ याद रखना है सबको कि इसके साथ साथ याद रखिएगा सबको कि उपराज्यपाल बनने का भी जो न्यूनतम आयु है यह देखो 35 वर्ष ही है। 25 वर्ष किसका आयु है, तो 25 वर्ष याद रखना है यह देखिए प्रधानमंत्री, इसके साथ साथ 25 वर्ष जो है देखो आपका मुख्यमंत्री बनने का न्यूनतम आयु है, ठीक है। और 25 वर्ष ही जो है देखो आपका याद रखना है सबको लोकसभा का भी न्यूनतम आयु होता है, ठीक है। जो 30 वर्ष है ये याद रखिएगा ये आपका राज्यसभा का न्यूनतम आयु होता है, ठीक है, राज्यसभा सदस्य बनने का न्यूनतम आयु है। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितना वर्ष का, 5 वर्ष का। लोकसभा का कार्यकाल भी कितना वर्ष का, 5 वर्ष का। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उपराज्यपाल इन लोग का भी कार्यकाल जो है 5 वर्ष, राज्यसभा का कार्यकाल जो है यह देखो 6 वर्ष, ठीक है, सबको याद रखेंगे। जो लोकसभा है इसको देखो निचली सदन बोलते हैं, इसको लोअर हाउस बोलते हैं, जो लोकसभा है इसको प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन बोलते हैं, ठीक है। लोकसभा को जो है देखो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन बोला जाता है लोकसभा को। इसके साथ साथ सब लोग को याद रखना है कि जो लोकसभा है ये जो है देखिए आपका अविश्वास प्रस्ताव पूछता है कि किस सभा में लाते हैं, तो जो अविश्वास, ठीक है, जो अविश्वास प्रस्ताव है यह देखो आपका लोकसभा में ही लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव पास कराने के लिए कितना सदस्यों द्वारा समर्पित होना चाहिए, तो ये जो है देखो 50 सदस्यों द्वारा समर्पित होना चाहिए, ठीक है। जो राज्यसभा है इसको याद रखिएगा, इसको देखिए निचली सदन के, इसको ऊपरी सदन बोलते हैं, ठीक है। जो राज्यसभा है इसको देखो ऊपरी सदन बोलते हैं, इसको जो है अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन बोलते हैं, ठीक है, इसको जो है अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन बोलते हैं। जो लोकसभा है इसमें सबसे अधिक सदस्य देखो यूपी के हैं, जो राज्यसभा है इसमें भी सबसे अधिक सदस्य देखो यूपी के हैं, ठीक है। लोकसभा में किस आधार पर सीटें मिलती हैं, तो लोकसभा में जो है देखो आपका जनसंख्या के आधार पर सीटें दी जाती है, ठीक है। इतना इतना चीज सबको याद रखिएगा, इतना इतना चीज सबको क्लियर रखिएगा।
अगला सवाल है कि विश्व का पहला देश जहां पर औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई, द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड वेयर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बिगेन, फ्रांस में, अमेरिका में, ब्रिटेन में, जर्मनी में। विश्व का पहला देश जहां पर औद्योगिक क्रांति शुरू हुई वह देश कौन सा है, बताइए। इतना बेहतर क्लास चल रहा है, ये भी सवाल मैंने आपको पढ़ाया है। अगर आपने अभी तक भी लाइक नहीं किया तो जल्दी सबको लाइक कर दे क्लास को, सेशन को जल्दी से जो है सारे लोग शेयर कर देंगे और अपना हर एक दोस्त तक पहुंचा देंगे। जिन्होंने भी अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट रखेंगे। तो विश्व का पहला देश जहां पर औद्योगिक क्रांति शुरू हुआ यह देश है देखो आपका ब्रिटेन, जो सही जवाब है यह देखो होगा ऑप्शन सी, ठीक है। चलो जी अगला सवाल यहां पर देखो दिया हुआ है, क्या क्वेश्चन है आपका, सवाल पूछा गया है कि दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम बताइए, नेम द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ द वर्ल्ड, सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी, बेनजीर भुट्टो, श्री माओ भंडार नायके। दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन से देश की बनी, दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम क्या है, तो दुनिया की जो पहली महिला प्रधानमंत्री बनी यह है देखो श्री माओ भंडार नायके, ठीक है। ये किस देश की प्रधानमंत्री बनी, तो यह देखो बनी श्रीलंका की। इसके बाद याद रखना है जो इंदिरा गांधी है ये सेकंड महिला प्रधानमंत्री थी विश्व में, ठीक है। ये जो है सेकंड महिला प्रधानमंत्री बनी पूरा विश्व का। इंदिरा गांधी जो है याद रखिएगा ये प्रथम महिला है जिनको भारत रत्न दिया गया, ठीक है। ये प्रथम महिला है जिनको कि भारत रत्न से नवाजा गया, और जो इंदिरा गांधी इसी में याद रखना है कि ये प्रथम भारतीय महिला प्रधानमंत्री बनी, ठीक है। यह जो है देखो प्रथम भारतीय महिला प्रधानमंत्री बनी है जो सरोजिनी नायडू है, इनको याद रखना है। सरोजिनी नायडू को देखो भारत कोकिला बोलते हैं, सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला बोला जाता है। यह जो है देखो प्रथम राज्यपाल बनी जो सरोजिनी नायडू है, ये प्रथम राज्यपाल बनी कहाँ की, यूपी की, ठीक है। इसके साथ साथ ये प्रथम महिला, प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष बनी, ठीक है, सबको याद रखिएगा। यह जो है देखो प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में जानी गई, ठीक है। प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष जो बेनजीर भुट्टो है, ये पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी, ठीक है। पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी, तो पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री देखो बनी है बेनजीर भुट्टो, ठीक है, सबको ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं, 51 नंबर सवाल है देखो आपका कि प्राचीन भारत में मगध राज्य की राजधानी थी, इज द कैपिटल ऑफ किंगडम ऑफ मगध इन एंशियंट इंडिया, क्या होगा सही जवाब। प्राचीन भारत में जो है देखो आपका मगध राज्य का राजधानी क्या था, क्या होगा सही जवाब, इस सवाल का सही आंसर क्या है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ द किंगडम ऑफ मगध इन एंशियंट इंडिया। चलो जी सवाल का सही जवाब क्या है, क्या आंसर कर रहे हैं आप सब, बिल्कुल सही, सब लोग को करना है यहां पर बताना है कि सवाल का सही जवाब क्या है, क्या आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही, सब लोग को यहां पर जवाब देनी है, क्या आंसर किए हैं आप लोग, क्या आंसर हुआ आप सबका, क्या आंसर आ रहा है, अलग अलग आंसर करो, पाटलिपुत्र, राजगृह, वाराणसी, वैशाली, इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। चलो जी इस सवाल का सही आंसर क्या है, बिल्कुल सही, सब लोग को यहां पर करते चलना है और बताना है कि इस सवाल का सही जवाब क्या है, बिल्कुल सही सब लोग करेंगे, क्या आंसर आ रहा है, अलग अलग आंसर कर रहे हो, एक जैसा करने की कोशिश करो, अलग अलग आंसर जो है यहाँ पे देखो आपकी आ रही है, क्या होगा, तो ये देखो याद रखिएगा राजगीर था, ठीक है, राजगिरी नहीं राजगीर लिखते हैं इसको, राजगीर था, ठीक है, सबको याद रखना है, राजगिरी नहीं राजगीर होता है, ठीक है, राजगीर, राजगिरी नहीं राजगीर, ठीक है, ये बी वालों का सही है। अगला सवाल है देखो कि कौन सा राज्य समुद्री सीमा में नहीं है, Which state is not in maritime border? तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, वह कौन सा राज्य है जो कि देखो आपका समुद्री सीमा से नहीं लगता है, क्या होगा सही जवाब, कौन सा राज्य है जिसकी समुद्री सीमा नहीं है, वह राज्य कौन सा है, तो वह राज्य है देखो हरियाणा। ये नॉर्मल सा देखो हिंट लगाने वाला सवाल था, हरियाणा का जो है देखो समुद्री सीमा नहीं है, ये नॉर्मल सी बात है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, आपको दिया गया है कि कौन सा शहर वास्तुकार एडविन लुइटन द्वारा तैयार किया गया था, विच सिटी वॉज डिजाइंड बाई आर्किटेक्ट एडविन लुइटन, नई दिल्ली, मद्रास, कोलकाता, मुंबई, वह कौन सा शहर है जिसको देखो वास्तुकार एडविन लुइटन के द्वारा बनाया गया, इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, तो एडविन लुइटन के द्वारा बनाया गया जो शहर है यह है देखिए आपका नई दिल्ली, जो सही जवाब है यह होगा देखो ऑप्शन ए नई दिल्ली, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल आपको देखो मिला है कि लज्जा पुस्तक के लेखक कौन है, हु इज द ऑथर ऑफ बुक लज्जा, ठीक है। चलिए जी बताना है सबको कि जो लज्जा पुस्तक आई इसके लेखक कौन हुए, लज्जा पुस्तक के लेखक कौन है, क्या होगा सही जवाब बताना है, हु इज द ऑथर ऑफ बुक लज्जा। चलो जी क्या आंसर आ रहा है सबका,
बिल्कुल सही, सब लोग को आना चाहिए। तो आंसर आ रहा है सबका ऑप्शन ए, लसलीमा नसरीन। बहुत अच्छा, लसलीमा की जगह अगर तस्लीमा भी लिख के देगा तो ये भी सही होगा, सबको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ए वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। चलो अगला सवाल पे चलते हैं। यह देखो आपको दिया गया है, क्या सवाल है कि सेल्सियस तथा फारेनहाइट किस तापमान पर समान होते हैं। एट व्हाट टेम्परेचर आर सेल्सियस एंड फारेनहाइट द सेम। -40 डिग्री, -32 डिग्री, -46 डिग्री या फिर -45 डिग्री। चलो भाई बिल्कुल सही करने की कोशिश करना और बताना, एट व्हाट टेम्परेचर द सेल्सियस एंड फारेनहाइट आर द सेम। चलो जी, इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, मैंने सबको पहले बहुत बार पढ़ाया है, क्या है सही जवाब? तो यह देखो होता है -40 डिग्री। बहुत बढ़िया, ए वालों का जवाब बिल्कुल सही है। कितना होता है? तो यह देखो होता है -40 डिग्री। सभी लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, क्या हो गया सही जवाब? तो यह देखो होता है -40 डिग्री, सबको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलो अगला सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो आपको मिला है कि हड्डी में मुख्यतः क्या पाया जाता है। वॉट इज मेनली फाउंड इन बोन। कैल्सियम, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, डी में है नन ऑफ दीज। क्या होगा सही जवाब? हड्डियों में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, जो हड्डियां होती हैं इनमें मुख्यतः क्या मौजूद होता है। तो हड्डियां जो हैं इनमें देखो मुख्य रूप से कैल्शियम पाया जाता है। ठीक है, ए वालों का जवाब बिल्कुल सही होगा, बहुत बढ़िया। हड्डियों में देखो कैल्शियम होता है। चलो जी अगला सवाल है आपका कि तांबे का गलनांक कितना डिग्री सेल्सियस होता है। व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कॉपर। 1085 डिग्री सेल्सियस, 1038 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, डी में देखो नन ऑफ दीज। तांबे का जो गलनांक है ये कितना डिग्री सेल्सियस होता है, क्या होगा सही जवाब? तो तांबे का जो गलनांक है यह देखो होता है 1085 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ए वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। यह देखो होता है 1085 डिग्री सेल्सियस। चलो अगला सवाल देखो मिला है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपको दिया गया है। क्या सवाल देखो मिला हुआ है आपको, ये सवाल आपसे पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण सर्वाधिक होता है, फोटोसिंथेसिस इज द हाईएस्ट, सफेद रोशनी में, नीली बत्ती में, लाल बत्ती में, हरी बत्ती में। अब बताओ मैंने कितना बार आपको ये वाला चीज पढ़ाया है, और याद रखिएगा प्रकाश संश्लेषण वाला सेक्शन सबको ही पढ़ के जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इससे जो है सवाल आ रहा है। तो जिन्होंने भी अभी तक भी हमारी नई ई बुक बाई नहीं किया है सबको जरूर खरीद लेंगे। अग्निवीर आर्मी की देखो बिल्कुल नई जीडी की, मिलिट्री पुलिस की, ट्रेडमैन की, क्लर्क की बुक लॉन्च की गई है, जो कि आपका अग्निवीर का नया पैटर्न पर 16 अक्टूबर आर्मी परीक्षा के पैटर्न पर आधारित है। इसमें आपका 10 मॉडल पेपर इजी है, 10 मॉडल पेपर टफ है, 5 अग्निवीर का ओरिजिनल पेपर है। यह आपको मिल रहा है केवल देखो 85 रुपए में, 199 नहीं, केवल 85 रुपए में मिल रही है। फुल सोल्यूशन आता है हिंदी इंग्लिश दोनों में। ठीक है, एक और ई बुक है आपका जो कि आपका जीडी, ह्यूमन मिलिट्री पुलिस, ट्रेड्समैन, टेक्निकल, नर्सिंग असिस्टेंट, क्लर्क सभी के लिए है। इसमें 3200+ जीके जिस क्वेश्चन है ये हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है। ठीक है, और ये आपको मिल रहा है 199 नहीं केवल 90 रुपए में। दोनों अलग अलग लोगे तो देखो होता है 175 रुपए। ठीक है, 90 और 85 हो जाएगा 175 रुपए, पर साथ में लीजिएगा तो आपको केवल देना है 155 रुपए, और 155 रुपए में आप दोनों किताब को खरीद सकते हैं। ठीक है, खरीदने के लिए क्या करना है, तो ये जो नंबर दिख रहा है देखो आपको इसी नंबर पे पेमेंट कर देना है, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, अमेजन पे यूज करते हुए। पेमेंट करने के बाद जो है आप देखो इसी नंबर पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना, फिर जो ये ईबुक है ये आपको सेंड कर दिया जाएगा आपके व्हाट्सएप पर 1 मिनट के अंदर। ठीक है, क्या सवाल था, प्रकाश संश्लेषण किसमें सर्वाधिक होता है, तो यह देखो सर्वाधिक होता है रेड लाइट में। ठीक है, सी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, यह देखो सर्वाधिक होती है रेड लाइट में। अगला सवाल देखो क्या मिला है कि निम्न में से पहला गणन यंत्र कौन सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कैलकुलेटर, ट्यूरिंग मशीन, पास्कलिन, अबेकस, डी में देखो गणना करने का यंत्र। निम्न में से जो है देखो आपका पहला गणन यंत्र कौन सा हुआ, पहला गणन यंत्र कौन सा है, इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। चलो जी बिल्कुल सही, सब लोग करना और बताना, तो पहला गणन यंत्र कौन सा है, तो यह देखो होता है आपका अबेकस। ठीक है, सी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, अबेकस होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल देखो आपको क्या दिया है कि रिवॉल्वर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है। हु इन्वेंटेड द रिवॉल्वर, जॉन ने, थियोडोर बर्गमैन ने, सैमुअल कोल्ट ने, डी में देखो नन ऑफ दीज। रिवॉल्वर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया, याद रखिएगा आविष्कार एवं आविष्कारक ये टॉपिक सबको पढ़ के ही जाना है। ठीक है, बताओ इतना अच्छा क्लास चल रहा है, अगर आपने अभी तक भी लाइक नहीं किया तो किसका इंतजार कर रहे हैं। देखो हर एक चीज पढ़ाया हुआ आ रहा है, जल्दी सबको लाइक करिए, सभी शेयर कर देंगे, जितना भी आर्मी का ग्रुप से जुड़े हो टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, सभी जगह पे फैला दो क्लास को, और सभी लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर लेंगे। ठीक है, रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया है, तो यह देखो किया है सैमुअल कोल्ट ने। सी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यह देखो मिला है आपको यहाँ पे, बहुत बार मैंने आपको ये वाला सवाल पढ़ाया,
दिया है कि हर्ट्ज की इकाई है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ हर्ट्ज, दाब का, आवृत्ति का, आवर्तन की संख्या का, डी में देखो नन ऑफ दीज। 60 नंबर सवाल है आपका, 60 नंबर क्वेश्चन है, बिल्कुल सही सब लोग करेंगे और बताएंगे। यहाँ पे हर्ट्ज का इकाई क्या होता है, तो यह देखो आवृत्ति होता है, फ्रीक्वेंसी का इकाई है हर्ट्ज, ठीक है। दाब किसका इकाई है, और दाब का इकाई क्या है, तो याद रखिएगा दाब का यूनिट देखो पास्कल होता है, दाब का इकाई जो है देखो पास्कल होता है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यह देखो आपको दिया है गन्ना चीनी का आणविक सूत्र क्या है, व्हाट इज द मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ केन शुगर, तो मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ केन शुगर याद रखिएगा यह देखो होता है C12H22O11। जो गन्ना चीनी का आणविक सूत्र है यह देखो होता है C12H22O11, ठीक है। देखो यहीं पे लिखा हुआ है C6H12O6, याद रखना है। यह देखो ग्लूकोज का सूत्र है, सबको बताया H2O किसका सूत्र है, जल का सूत्र है, D2O किसका सूत्र है, तो यह देखो भारी पानी का सूत्र है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगला सवाल पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल देखो आपको क्या दिया गया है कि सर्वदाता रक्त समूह है, इज द ऑल डोनर ब्लड ग्रुप, AB पॉजिटिव, O पॉजिटिव, A नेगेटिव, D में देखो नन ऑफ दिस। सर्वदाता रक्त समूह ऑल डोनर ब्लड ग्रुप कौन सा होता है, वह कौन सा ब्लड ग्रुप है जो कि सभी को खून दे सकता है, तो ब्लड ग्रुप है देखिए आपका ये ओ निगेटिव होगा, यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक है, ओ निगेटिव होता है, ठीक है। और जो AB पॉजिटिव है यह देखो सर्वग्राही होता है, या जो है किसी से भी खून ले सकता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए चलते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल देखिए आपको क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन मिला है कि जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है, व्हाट एनर्जी डज द जनरेटर कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू, किसमें, विद्युत ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा में, दोनों में, डी में देखो ध्वनि ऊर्जा में। जो जनरेटर है यह देखो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है, इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, तो जनरेटर के द्वारा जो है देखिए आपका यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, जो सही जवाब है यह देखिए होगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है। चलो अगला सवाल देखेंगे। यह देखो मिला है कि पेनिसिलिन एक प्रकार का होता है, व्हाट इज टाइप ऑफ पेनिसिलिन, एंटीबायोटिक, जीवाणु, विषाणु, रोगाणु, बहुत बार मैंने आपको पढ़ाया, जल्दी सबको जवाब देना और बताना इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। पेनिसिलिन, मैंने ये वाला सवाल आपको बहुत बार करवाया है, पेनिसिलिन क्या होता है, तो पेनिसिलिन जो है देखो एक प्रकार का एंटीबायोटिक है, ठीक है। ये वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, पेनिसिलिन क्या है, तो यह देखो एंटीबायोटिक होता है। चलो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपको मिला हुआ है कि भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपकरण कौन सा है, विच इज द इंडियाज लार्जेस्ट पब्लिक यूटिलिटी, क्या होगा सही जवाब, रेलवे है, वित्त है, बैंकिंग है, या फिर सभी है। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपकरण कौन सा है, निम्न में से जो है देखो आपका भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपकरण क्या है, इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, तो यह देखो रेलवे होता है, ठीक है। ये वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, भारत का जो सार्वजनिक आपका उपकरण है ये क्या है, तो यह देखो रेलवेज है, ठीक है, सबको ध्यान में रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल देखिए आपको क्या दिया गया है कि इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इसरो लोकेटेड, मुंबई में है, बेंगलुरु में है, त्रिवेंद्रम में है, या फिर दिल्ली में है। इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है, जो इसरो है, इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो जो इसरो का हेडक्वार्टर है यह देखो बेंगलुरु में है, यह देखो आपका बेंगलोर में होता है, बेंगलोर में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल देखो आपको क्या दिया है यहाँ पर कि कथकली कहाँ का लोक नृत्य है, कथकली इज अ फोल्क डांस ऑफ विच प्लेस, आंध्र प्रदेश का है, केरल का है, राजस्थान का है, असम का है। चलो भाई क्या होगा सही जवाब, कथकली कहाँ का लोक नृत्य है, जो कथकली है ये कहाँ से संबंधित है, जो कथकली है ये कहाँ का लोक नृत्य है, तो जो कथकली है यह देखिए आपका लोक नृत्य है केरला का, या देखो लोक नृत्य केरल का, मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया ये सब टॉपिक, बहुत बार मैंने आपको करवाया है कि जो लोक नृत्य वाला टॉपिक मैंने आपको बहुत बार बनवाया है, ध्यान रखेंगे क्या होता है, केरल होता है, ठीक है। चलो जी अगला सवाल देखो आपको यहाँ पे दिया गया है, यह क्वेश्चन है कि सूर्य से तारों के मध्य दूरी मापने की इकाई को कहा जाता है, प्रकाश वर्ष, फहमत, नॉटिकल माइल, डी में देखो नैनोमीटर। सूर्य से तारों के बीच दूरी मापने की इकाई क्या कहलाती है, वह इकाई जिसमें सूर्य से तारों के बीच की दूरी मापते हैं उसको क्या कहते हैं, तो यह जो इकाई है यह इकाई देखो प्रकाश वर्ष कहलाता है, ठीक है। ये वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, इस इकाई को जो है देखो प्रकाश वर्ष बोलते हैं, सबको ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखिए आपको क्या दिया है यहाँ पर, यह सवाल देखो मिला हुआ है आपको, यह क्वेश्चन है देखो आपका कि विजय घाट कहाँ स्थित है, 70 नंबर सवाल है, वेयर इज विजय घाट लोकेटेड, दिल्ली में है,
राजस्थान में है, हैदराबाद में है, फ्रांस में है। अगर आपने अभी तक भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो सबको जल्दी से लाइक कर देंगे, सभी लोग जल्दी से क्लास को सेशन को शेयर कर दीजिए, अपना हर एक दोस्त तक पहुंचा दीजिए। और जिन्होंने भी अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट रखेंगे। विजय घाट कहाँ स्थित है, तो यह देखो आपका दिल्ली में स्थित है, ठीक है। ये वालों का जवाब बिल्कुल सही है, मैंने आपको कुछ दिन पहले समाधि स्थल वाला टॉपिक बनवाया था उससे मैंने ये वाला सबको करवाया है। चलो अगला सवाल है देखो आपका कि भारत में मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं, वेयर आर मैंग्रोव फॉरेस्ट फाउंड इन इंडिया, सुंदरबन, नैनीताल, बैंगलोर, डी में देखो बंगाल की खाड़ी। भारत में जो मैंग्रोव वन है यह कहाँ पाए जाते हैं, भारत में जो मैंग्रोव वन है यह कहाँ पर स्थित है, क्या होगा सही जवाब, तो भारत में जो मैंग्रोव वन है यह देखो आपका सुंदरबन में स्थित है, ठीक है। ए वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, कहां पर है तो सुंदरबन में है। चलो जी अगला सवाल देखेंगे, यह देखो आपको क्या दिया गया है यहाँ पे, यह सवाल है कि भारत में सर्वप्रथम व्यापार किसने शुरू किया था, हु वॉज द फर्स्ट टू स्टार्ट ट्रेड इन इंडिया, ब्रिटिश, पुर्तगाली, डच, डी में देखो इनमें से कोई नहीं। भारत में जो सर्वप्रथम व्यापार है ये किसके द्वारा शुरू किया गया, भारत में जो प्रथम व्यापार है इसको किसने शुरू किया है, इसकी शुरुआत देखो की गई है पुर्तगालियों के द्वारा, इसकी शुरुआत देखिए की थी पोर्तुगीज ने, ठीक है। बी वालों का जवाब बिल्कुल सही होगा, बहुत बढ़िया, बी वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। चलो अगला सवाल देखो क्या दिया गया है कि निम्न में से कौन सा देश ओपेक का सदस्य नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज नॉट अ मेंबर ऑफ ओपेक, वेनेजुएला, अल्जीरिया, नाइजीरिया, डी में देखो केन्या। निम्न में से वह कौन सा देश है जो कि देखो आपका ओपेक का सदस्य नहीं है, निम्न में से वह कौन सा देश है जो कि देखो आपका ओपेक से संबंधित नहीं है, इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, तो वह देश जो कि ओपेक से संबंध नहीं रखता है वह देश है देखिए आपका केन्या, ठीक है। डी वालों का जवाब सही है, बहुत अच्छा। चलो भाई अगला सवाल देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे आपको क्या दिया है, अगला सवाल देखो मिला हुआ है आपको कि एक फीट में कितने इंच होते हैं, एक फीट में कितना इंच होता है, इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, जल्दी सबको ही करना और बताना, एक फीट में कितना इंच पाया जाता है, तो जो एक फीट है इसमें देखो आपका 12 इंच होता है, ठीक है। बी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। चलो चलेंगे अगला सवाल पे, 75 नंबर सवाल है देखो आपका, 75 नंबर क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार कब लागू हुआ, व्हेन डिड द राइट टू इंफॉर्मेशन केम इनटू इफेक्ट, 2002 में, 2005 में, 2008 में, अगला देखो यहाँ पे दिया हुआ है डी में, इनमें से कोई नहीं, क्या सवाल मिला है देखो। चलो इसमें पहले आप लोग करना, ठीक है, इसमें तो अब पहले आप लोग को करना पड़ेगा तभी जो है मैं बता रहा हूँ क्या होगा सही जवाब। चलो जी बिल्कुल सही, यहाँ पे सब कोई कीजिएगा, क्या होगा सही आंसर, सूचना का अधिकार कब लागू किया गया, इस सवाल का सही जवाब क्या है, बिल्कुल सी सब लोग करना है, बताना है सूचना का अधिकार कब लागू हुआ। चलो जी इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, सूचना का अधिकार कब लागू हुआ, तो बहुत बढ़िया सबका जवाब आ गया है, कब हुआ है, 2005 में हुआ है, बहुत शानदार, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही जवाब है सबका। चलो चलेंगे अगला सवाल पे, अगला सवाल देखो दिया हुआ है यहाँ पे, यह सवाल है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, अमृतसर में, पोखरण में, ताइवान में, डी में है इनमें से कोई नहीं। जो जालियांवाला बाग हत्याकांड है ये कहाँ पर हुआ, जो जालियांवाला बाग हत्याकांड है ये कहाँ पे घटित हुआ है, इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, तो जो जालियांवाला बाग हत्याकांड है यह देखो आपका अमृतसर में हुआ है, ये देखो आपका अमृतसर में जो है घटित हुआ, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यह देखो मिला है कि भारत की वित्तीय राजधानी क्या है, व्हाट इज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, हैदराबाद। तो सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं एडवांस में ही, सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है। सभी लोग देखिए अभी हमारा कंटिन्यू क्लास नहीं आ पा रहा है, ये दिवाली के कारण ही नहीं आ पा रही है, कल भी कुछ क्लास आपका डिस्टर्ब रहेगा या कल हो सकता है आएगा ही नहीं, पर फिर जो है देखो याद रखना कि 25 अक्टूबर से, ठीक है, 25 अक्टूबर से जो है सभी लोग को याद रखना है, रोज सुबह 9 बजे जो आपका मैथ एंड रीजनिंग का क्लास आता है वो अपने समय पर आएगा, रोज दोपहर 1 बजे जो आपका जीके जीएस का क्लास करते हैं वो आपका समय पर आएगा। बहुत सारे टॉपिक अभी हमें पढ़ने के लिए बचे हुए हैं 13 नवंबर वालों के लिए, जैसा भी 16 अक्टूबर को पूछा गया उस हिसाब से, तो सभी लोग को दोपहर 1 बजे जरूर जुड़ना है जीके जीएस का क्लास में, और रोज शाम 7 बजे तो ओरिजिनल पेपर का क्लास आता ही है, ये आप जानते ही है। तो 25 अक्टूबर से ये तीनों क्लास अपने समय पर आएगा, 9 बजे मैथ एंड रीजनिंग का, 1 बजे जीके जीएस का, और शाम 7 बजे ओरिजिनल पेपर का, ठीक है। तो अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किसका इंतजार करें, सिलेक्शन फाइनल अग्निवीर में, जल्दी से जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल
पे सेट करो और तीनों का तीनों क्लास जो है अटेंड करो। और सभी लोग देखो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पे सबको जुड़ जाइएगा। वहां पर जो है देखो आपको इस क्लास का पीडीएफ दे दिया जाएगा, ठीक है। भारत की वित्तीय राजधानी क्या है, तो यह देखो मुंबई है, बहुत बढ़िया। ये वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। चलो अगला सवाल देखो क्या दिया है कि कुवैत की राजधानी कहां है, वेयर इज द कैपिटल ऑफ कुवैत, कुवैत सिटी, काबुल, दिल्ली, ढाका। अब ये वाला सवाल देख रहे हैं तो आपको पता चल रहा है कि देश और राजधानी से जुड़ा हुआ सवाल मतलब कि पूछा जाएगा। तो एक बजे जो हमारा क्लास आता है ना उसमें बहुत जल्द जो है आपका देखो देश एवं राजधानी वाला टॉपिक आपको पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। जो दोपहर एक बजे हमारा क्लास आता है जीके जीएस का टॉपिक वाइज, उसमें जो है आपको ये वाला सवाल करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो कुवैत की राजधानी क्या है, तो कुवैत की जो राजधानी है यह देखो कुवैत सिटी में है, ठीक है। काबुल किसका राजधानी है, तो काबुल देखो राजधानी है अफगानिस्तान का, यह आप सब जानते हैं। दिल्ली का है, दिल्ली किसका राजधानी है, तो दिल्ली जो है यह देखो राजधानी है भारत का, यह चीज जो है आपको देखो सभी को पता है। ढाका किसका राजधानी है, तो ढाका जो है देखो आपका राजधानी है बांग्लादेश का, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल देखो आपको क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन मिला है यहाँ पे कि निम्न में से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। चलो जी इस सवाल का सही जवाब, इस सवाल का सही जवाब क्या है, बिल्कुल सही सब लोग को यहाँ पर जवाब देनी है और बतानी है किस सवाल का सही जवाब क्या होगा। बिल्कुल सही सब लोग यहाँ पर अपना अपना जवाब दीजिएगा और बताइएगा कि इस सवाल का सही जवाब क्या है। लद्दाख है, अंडमान निकोबार है, दमन और द्वीप है, डी में लक्षद्वीप है। तो ये सवाल भी आपके लिए आज का होमवर्क रहेगा। दो सवाल मैंने आज आपको होमवर्क दिया है, दोनों का जवाब जो है मुझे देखो कमेंट बॉक्स में चाहिए सबको करना और बताना कि इन दोनों सवालों का सही जवाब क्या होगा, ठीक है। सभी लोग जो है कमेंट बॉक्स में इस सवाल का सही जवाब दीजिएगा। चलिए अगला सवाल पे बढ़ते हैं। 80 नंबर सवाल है देखो आपका कि पित्त कहाँ जमा होता है, वेयर इज अ बाइल स्टोर्ड, यकृत में, गुर्दा में, पित्ताशय में। अगला देखो दिया हुआ है पलिहा में, जो पित्त है यह कहाँ पे जमा होता है, जो बाइल है ये कहाँ पर स्टोर होता है। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, तो जो पित्त है जो बाइल है यह देखो आपका पित्ताशय में जमा होता है, यह देखो आपका गॉल ब्लैडर में जो है जमा होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल देखो दिया हुआ है कि ठोसों से गैस में रूपांतरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम सॉलिड टू गैस, संलयन, उधरोपातन, संघनन, डी में देखो नन ऑफ दीज। ठोस से गैस में जब किसी भी चीज का रूपांतरण होता है तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, ठोस से गैस में परिवर्तन को जो है देखो आपका सब्लिमेशन के नाम से जाना जाता है, सबको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए जी क्या होगा सही जवाब, बिल्कुल सही सब लोग यहाँ पे करना और बताना, ठोस से गैस में रूपांतरण की प्रक्रिया को जो है देखो सब्लिमेशन बोलते हैं, उधर वो पातन बोलते हैं, ठीक है। चलो अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो आपको दिया हुआ है, यह क्वेश्चन है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि, चलिए बताएंगे सबको, प्रेशर कुकर में जो है किस कारण खाना जल्दी पक जाता है। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, तो प्रेशर कुकर में देखो खाना जल्दी पकता है उच्च दाब के कारण, पानी का क्वथनांक ऊपर आ जाता है इस वजह से। चलिए अगला सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए आपको दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। ये वाला सवाल भी मैंने सबको पढ़ाया था, आप सब देखे हैं, भारत में प्रथम महिला करके मैंने टॉपिक पढ़ाया था सबको दोपहर एक बजे, उसी में देखो मैंने सबको ये वाला सवाल करवाया था, ठीक है। तो सभी लोग को ध्यान में रखना है, जिन्होंने भी अभी तक भी क्लास को लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपना हर एक दोस्त तक पहुंचा दीजिए, और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट करेंगे अगर अभी तक भी आपने ऑल पर सेट नहीं किया है तो, ठीक है। और सभी लोग याद रखना कि सभी लोग को टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाना है, टेलीग्राम ग्रुप में जो है देखो आपको इस क्लास का पीडीएफ दे दिया जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने का जो लिंक है वह देखो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाकर जो है आप सभी जुड़ सकते हैं, वहां पर जो आपको देखो इस क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब जो है इस क्लास, अब जो है आपकी देखो ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, 83 क्वेश्चन आपका निकल के आता है, तो 83 क्वेश्चन आपको करवा दिया गया है, सबको जरूर बताना अंत में कि 83 में से आप सबने कितने सवालों को सही किया। संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है, तो यह है देखो विजय लक्ष्मी पंडित, ठीक है, ये वालों का जवाब सही होगा। सभी को शुभ दीपावली, सभी के घर में लक्ष्मी माँ कृपा वर्षाएं, सभी घर में दीपावली अच्छे से मने, सभी लोग दीपावली मनाइए, कल दीपावली है।
आप सब जान रहे हैं, तो कल आपकी क्लास नहीं आ पाएगी कोई भी। बाकी परसों से जो है आपका देखो मतलब कि 25 अक्टूबर से ही तैयार रहना, तीनों क्लास अपने समय पर आने लगेगा। रोज सुबह 9 बजे मैथ एंड रीजनिंग का क्लास आएगा, रोज दोपहर 1 बजे GK GS का क्लास आएगा, और रोज शाम 7 बजे जो है देखो आपका ओरिजिनल पेपर का क्लास आएगा। तो इन तीनों क्लास में सभी को तैयार रहना है 25 अक्टूबर से जुड़ने के लिए, ठीक है। और चलिए इस क्लास को, इस सेशन को यहीं पेंट करते हैं। जिन्होंने अभी तक भी हमारी ई बुक को बाय नहीं किया तो किसका इंतजार कर रहे हो, अग्निवीर आर्मी का बिल्कुल नया ई बुक लॉन्च हो चुका है, GD का, मेन मिलिट्री पुलिस का, ट्रेडमैन का, क्लर्क का। इसमें जो आपका देखो 10 मॉडल पेपर इजी दिया हुआ है, 10 मॉडल पेपर टफ दिया हुआ है, और 5 अग्निवीर का ओरिजिनल पेपर है 16 अक्टूबर वाला, बिल्कुल 16 अक्टूबर के पैटर्न पर पेपर तैयार किया गया है। मैथ रीजनिंग पूरा सोल्व है, और जितना ही बच्चों का मैथ एंड रीजनिंग का दिक्कत है वो तो इस किताब को खरीदेंगे ही खरीदेंगे, ठीक है। ये 85 रुपया में है, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है, ठीक है। खरीदने के लिए क्या करना है, तो ये जो आपको नंबर दिख रहा है यहाँ पे, इसी नंबर पे आपको पेमेंट कर देना है फोन पे, पेटीएम, गूगल पे से, और पेमेंट करने के बाद जो है देखो आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे सेंड कर देना है। फिर जो ये ई बुक है ये आपके व्हाट्सएप पे 2 मिनट के अंदर PDF फॉर्मेट में आपको सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। एक और ई बुक है जो कि देखो आपका GD, वुमेन मिलिट्री पुलिस, ट्रेड्समैन, टेक्निकल, नर्सिंग असिस्टेंट, क्लर्क सभी के लिए है। ये टॉपिक वाइज आता है, इसमें पूरा का पूरा GK GS है, और इस बार जितना भी GK GS पूछा जा रहा है लगभग लगभग देखो 34 में से 24 सवाल तो इसी में से आ रहा है, ठीक है। तो सभी लोग इसी बुक को जरूर बाय कर लेंगे, इसमें 3200+ GK GS क्वेश्चन है, ये हिंदी इंग्लिश में आता है, इसको पढ़ लो, GK GS में और कुछ नहीं पढ़ना रहेगा। ये आपका देखो 90 रुपया का है, ठीक है। ये भी स्पेशल ऑफर में मिल रहा है आपको, इसको भी खरीदने के लिए वही करना है कि जो नंबर दिख रहा है इसी नंबर पर आपको फोन पे, पेटीएम, गूगल पे से पेमेंट कर देना है, और पेमेंट करने के बाद जो आपको देखो स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे भेज देना है, फिर जो आपको ये ई बुक 2 मिनट के अंदर आपके व्हाट्सएप पे सेंड कर दिया जाएगा। और दोनों ई बुक देखो अलग अलग लोगे तो 90 और 85 होता है 175 रुपया, अगर साथ में लीजिएगा तो 155 रुपये में आप इन दोनों ई बुक को खरीद सकते हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन यही होगी कि आप इन दोनों ई बुक को जरूर खरीद लेंगे, ठीक है। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत, हैव अ गुड डे। सभी का दिन, सभी की रात बहुत अच्छी बीते, सभी को गुड नाइट, सभी दीपावली मनाइए, सभी को हैप्पी दीपावली, सभी के घर में खुशियां आए। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत, हैव अ गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।